हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली हिमाचल प्रदेश में होने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। तो अगर आप इन वैकेंसीज़ और इस नोटिफिकेशन की सारी जानकारी चाहते हैं तो अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो ये वैकेंसीज़ निकली हैं ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड कसौली सोलन हिमाचल प्रदेश में। वैकेंसीज़ भरने की लास्ट डेट है, यानी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15 मई 2020। तो 15 मई 2020 तक आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन भर सकते हैं। अब देखते हैं वैकेंसीज़ किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। तो इसमें वैकेंसी है मेडिकल ऑफिसर की, जिसकी है एक वैकेंसी, क्लर्क की एक वैकेंसी है, फायरमैन की एक वैकेंसी, बैरियर गार्ड, एक्सरे टेक्नीशियन 1 वैकेंसी, मज़दूर 1 वैकेंसी, वॉलमैन, सफाई वालास। तो ये हैं टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इसमें। इसमें सफाई वाला की 6 वैकेंसीज हैं, वॉलमैन 1 वैकेंसी, मज़दूर 1, और बाकी जितनी भी ऊपर तक ये वैकेंसीज बताई गई हैं ये सभी एक एक वैकेंसी जो हैं इसमें निकाली गई हैं। तो टोटल मिला के वैकेंसीज़ हैं ये 13 वैकेंसीज़। बात करें इन वैकेंसीज़ के लिए आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितने आप पढ़े लिखे होने चाहिए। तो क्लर्क के लिए अगर बात करें तो क्लर्क के लिए आप जो है 10+2 पास होने चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और आपको जो है नॉलेज होना चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग का। फायरमैन के लिए अगर बात करें तो आपने 10+2 पास की होनी चाहिए, आप मेंबर ऑफ होम गार्ड होने चाहिए और आपके पास जो है बेसिक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए होम गार्ड एंड एलिमेंट्री फायरमैन सर्विस, जो कि कोर्स कंडक्ट करवाया गया हो गवर्नमेंट फायर सर्विस डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके लिए आपके मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे, हाइट में 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 सेंटीमीटर और विद एक्सपेंशन होनी चाहिए 85 सेंटीमीटर, आई साइड 6x6 विदाउट ग्लासेस एंड वेट होना चाहिए 52 kg का। बैरियर गार्ड की अगर बात करें तो इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए, हाइट आपकी 165 सेंटीमीटर और चेस्ट होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर एंड विद एक्सपेंशन 84 सेंटीमीटर। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए, इसके साथ साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा किया होना चाहिए रेडियोलॉजी में, या फिर आपके पास BSc डिग्री होनी चाहिए रेडियोलॉजी में, तो आप एक्सरे टेक्नीशियन का ये फॉर्म भर सकते हैं। और प्रेफरेंस अगर किसी ने ग्रेजुएट डिग्री की है रेडियोलॉजी में तो प्रेफरेंस सबसे पहले ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट को इसमें दी जाएगी। मज़दूर के लिए अगर बात करें तो आप जो हैं 8th पास होने चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें बताया गया है दूसरा कि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस भी इसके रिगार्डिंग होना चाहिए। वॉलमैन के लिए आप 8th पास होने चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लम्बिंग वाटर फिटिंग का। सफाई वाला के लिए आप 8th पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं सफाई वाला की वैकेंसी के लिए। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए 18 से 30 साल, क्लर्क के लिए 18 से 25, फायरमैन के लिए भी 18 से 25, बैरियर गार्ड 18 से 28 साल, एक्सरे टेक्नीशियन 18 to 25 ईयर, मज़दूर 18 to 30 ईयर्स, वॉलमैन 18 से 30, सफाई वाला के लिए UR के लिए है 18 to 25, SC के लिए 18 to 30 और OBC के लिए 18 to 28 ईयर्स। अब बात करें इसके लिए फ़ीस की तो इसमें फ़ीस आपकी रहेगी UR के लिए 500, SC के लिए 0, OBC के लिए 500, फिजिकली हैंडीकैप्ड नील, फीमेल 100 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन 500। अब इसके लिए अगर बात करें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे भरना होगा तो इसके लिए आपको जाना है इस वेबसाइट के लिंक पे, यानी कि www.kentboardrecruit.org। इस लिंक पे जाके आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 15 मई 2020 से पहले फिलअप करना होगा। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, इस तरह की वीडियोज़ आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।